असली शराब घोटाला अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। दिल्ली को लूटने का काम उन्होंने किया है, वो दिल्ली की जनता से माफी मांगे और प्रायश्चित करें। आरोप प्रत्यारोप, धरना प्रदर्शन, उपवास और शराब से शीश महल अभियान। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की सियासत जून की भरी दोपहरी सी तप रही है। एक ओर गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल रखा है, सामूहिक उपवास के जरिए माहौल तैयार कर रही है, तो बीजेपी ने अभी से शराब घोटाले को आधार बनाकर शराब से शीश महल अभियान शुरू कर दिया है। यानी अब शराब घोटाले पर बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी की सियासी लड़ाई बयानबाजी से निकलकर उपवास तक पहुंच गई है। सुबह से ही दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया। संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, कैलाश गहलोत समेत आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने जंतर मंतर पहुंचकर उपवास रखा, साथ ही बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई पिछले दो साल में एक रुपए का भी भ्रष्टाचार का पैसा आम आदमी पार्टी के किसी नेता के पास दिखा नहीं पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी को 55 करोड़ रुपए का चंदा है। 17 दिन हो गए हैं उस बात को, अभी तक कोई रेड क्यों नहीं हुई? अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेता समन क्यों नहीं हुए? हालांकि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल जंतर मंतर नहीं पहुंची। आम आदमी पार्टी का दावा है कि सुनीता केजरीवाल ने घर पर रहकर ही उपवास किया। एक दावा ये भी है कि अरविंद केजरीवाल के समर्थन में सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर के अलग अलग राज्यों के साथ विदेशों में भी लोगों ने उपवास रखा। दरअसल उपवास के बहाने आम आदमी पार्टी संदेश देना चाहती है कि लोग केजरीवाल के समर्थन में हैं और केजरीवाल पर की जा रही कानूनी कार्रवाई साजिश के तहत हो रही है। इस बीच हाल ही में शराब घोटाला केस में बेल पर जेल से बाहर आए संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। अरविंद केजरीवाल ईमानदार रहेंगे। मतलब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। इधर केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने भी अभियान छेड़ दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उपवास कर रहे हैं, वहां से कुछ ही दूरी पर कनॉट प्लेस से बीजेपी ने शराब से शीश महल अभियान की शुरुआत की। अभियान में दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, बीजेपी नेता संजय मयूख के अलावा कई नेता शामिल हुए। बीजेपी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में ही शराब घोटाले को अंजाम दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री चोरी, लूट और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। शराब से लेकर शीश महल तक का सफर ये भ्रष्टाचार की कहानी है जो अरविंद केजरीवाल के पूरे चरित्र को दिखाती है, आम आदमी पार्टी के चरित्र को दिखाती है कि कैसे संजय सिंह जी बड़े बड़े तगमे लेकर घूम रहे हैं, वो न्यायालय क्यों नहीं जाते हैं? वो बेल पर है साहब, बेल पर हैं। उनको घोटाले से हटाया नहीं गया है, वो अभियुक्त में हैं। दिल्ली के शराब घोटाले पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अपने अपने दावे हैं। दोनों पार्टियों के नेता अपने अपने मंच से तर्कों के तीर चला रहे हैं और बीच में विवादों की नदी बह रही है।